हेलो फ्रेंड्स, वेल कम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उत्तपम और चटनी की कॉम्बो रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक छोटे ग्लास से हमने एक ग्लास के आसपास चावल ले लिया है, साथ में एक तिहाई भाग हमने उड़द की दाल ले ली है। इसे हम भीगने दे देंगे, तो करीब 6 से 7 घंटा इसे हम भीगने के लिए पानी में छोड़ देंगे। अब इसे अच्छे से पानी से साफ करके, ये देखिए हमने रख लिया है, अच्छे से भीग गई है। अब इसे हम मिक्सर में डालकर अच्छे से महीन पेस्ट हम तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने सारे राइस और दाल को अच्छे से पीस लिया है, इसे हम अच्छे से फैटेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच नमक इसमें हमने डाल लिया है। तो सारे चीज़ों को अच्छे से हमें नमक के साथ दाल और ये जो पेस्ट है, बैटर है, इसे अच्छे से हमें फैट लेना है और इसे थोड़े देर के लिए हमें रख देना है। अब इसमें हम जो वेजी डालेंगे उसे हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटे टमाटर बारीक काट लिया है, एक छोटे से गाजर को हमने बारीक काट लिया है, 2-3 हरी मिर्च बारीक काट ली है, थोड़ी हरी धनिया हमने बारीक काट लिया है, कुछ करी के पत्ते हमने बारीक काट ली है, साथ में एक छोटे ऑनियन हमने बारीक काट लिया है। ये सारे वेजी हमने ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। अब हम चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी के लिए हम 1/4 बॉल चने की दाल और 1/4 बॉल मूँगफली ले लेंगे। जितनी मात्रा में हम दाल लेंगे उतनी मात्रा में ही हमें मूँगफली ले लेनी है। इसे अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके तवा चढ़ाएंगे और दोनों चीजों को हम साथ में डाल देंगे। तो इसे हम तेज आंच में अच्छे से 3-4 मिनट भुनेंगे। थोड़ी सी भुनने के बाद थोड़ी सी इसके कलर चेंज हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं इसकी कलर चेंज हो गई है, ये अच्छे से भुन गई है। तो इसे हम गैस बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम मिक्सर जार में इसे हम डालेंगे। और साथ में यहाँ पर हमने 3-4 टुकड़े कोकोनट के ले लिए। यहाँ पर हमने सूखे नारियल ले लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल नारियल भी डाल सकते हैं। तो ये सूखे नारियल इजी अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमने ये ले लिया है। और साथ में छोटे टुकड़े जिंजर के और 3-4 हमने हरी मिर्च ले ली है, उसे भी हम सारे मिक्सर में डाल लेंगे। और अब हम एक मुट्ठे के हिसाब से हरी धनिया डाल लेंगे। ये सारी चीजें हमने एक साथ डाल लेनी है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच के आसपास हम नमक डालेंगे। अब इसे हम थोड़े थोड़े पानी डाल के महीन चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने चटनी को अच्छे से महीन पीस लिया है। अब इसमें हम तड़का तैयार करेंगे इसके लिए। तो गैस ऑन करके हमने सॉस पैन रख लिया है, उसमें हम 1 चम्मच के हिसाब से ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ी गर्म हो जाए, इसमें हम 1/4 भाग सरसों मस्टर्ड सीड डाल लेंगे। उसके बाद हम थोड़े से करी पत्ता और 2 सूखे लाल मिर्च इसे भी हम डाल लेंगे। तो ये चटनी की तड़का बिल्कुल रेडी हो गई है, इसे हम चटनी में मिक्स कर देंगे। तो ये साउथ इंडियन टेस्टी हरी चटनी, नारियल की चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे आप उत्तपम के साथ भी खा सकते हैं, डोसा और इडली के भी सर्व कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी चटनी है। तो ये चटनी हमारी रेडी हो गई है, अब हम उत्तपम तैयार करेंगे। तो हम गैस ऑन करके तवा चढ़ाएंगे। तो इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे,
अब इसमें हम बैटर डालेंगे। तो नॉर्मल हम जो बैटर डोसा में हम डालते हैं तो काफ़ी कम बैटर डालते हैं तवे में, क्योंकि उसे हम पतला बनाना रहता है, लेकिन यहाँ उत्तपम हम बना रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि इसे थोड़े हम मोटे बनते हैं, हल्के थिक बनती है, ताकि इसमें ऊपर वेजी अच्छे से डाल सके। तो ये करीब 2 से 3 चम्मच हम बैटर तवे में डाल लेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे। ये देख सकते हैं थोड़ी ये थिक है, ये देखिए इस तरह हमने बैटर को अच्छे से डाल लिया है, ये थोड़ी थिक है चारों तरफ से। अब हम जो हमने वेजी काट के रखी है सारे हम वेजी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ हमने गैस कम कर दिया है, कम आंच में नीचे अच्छे से ये पक जा रही है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा वेजी मतलब थोड़ा ज़्यादा हमने डाला है, आप चाहे तो थोड़े भाग टमाटो, थोड़े भाग कैरेट, ऑनियन सारे थोड़े थोड़े भाग मात्रा में डाल सकते हैं जैसे कि डालते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ज़्यादा डाली है, तो एक्स्ट्रा डालने से भी काफ़ी टेस्टी बनती है। इस तरह हमने अच्छे से इसे पूरा टॉपिंग कर दिया है, ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बच्चों के लिए इस तरह एक्स्ट्रा वेजी वाली काफ़ी हेल्दी और टेस्टी लगेगी। तो इस तरह इसलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा वेजी हमने उत्तपम में डाला है। आप थोड़ा चाहे तो थोड़ा कम वेजी भी डाल सकते हैं। तो ये चारों ओर से हमने फैला के डाल लिया है, अब नीचे से ये पक गई है, जो उत्तपम जो अच्छे से पक गई है, इसमें हम ऊपर में वेजी में हल्के से 2 चुटकी के हिसाब से साबुत जीरा डालेंगे और थोड़े से चुटकी के भर हिसाब से सॉल्ट डालेंगे इस तरह। तो नीचे ये कम आँच में जो उत्तपम है जो वेश है उसे अच्छे से पक गई है, ये देखिए अच्छे से स्मूथली उठ जा रही है, ये देखिए चारों ओर से एकदम अच्छे से पक गई है। नीचे से पक जाने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो पलटने से पहले हमें 1 चम्मच के हिसाब से ऊपर से ऑयल डाल लेनी है, ताकि ये वेजी भी थोड़ी स्टिफ फ्राई हो जाए। इस तरह हमें इजीली आसानी से थोड़े से इस तरह उड़ गई है, और इसे हम पलट देंगे ताकि वेजी भी अच्छे से हल्की पक जाए, जिससे खाने में काफी टेस्टी लगेगी। तो इसे 1-2 मिनट नीचे अच्छे से कम आंच में हम पका लेंगे, ये देखिए ऊपर काफी अच्छे पक गई है। 1-2 मिनट अच्छे इसे अच्छे से पकाने के बाद ये हमारी उत्तपम बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। तो अब हम ये देख सकते हैं तवा से हम धीरे से निकालेंगे। ये देख सकते हैं वेजी भी अच्छे से स्टीफ फ्राई हो गई है, खाने में काफी अच्छे लगेंगी दोनों की कॉम्बिनेशन। और जो एक्स्ट्रा वेजी तवे में रह गई इसे हम चारों ओर से डाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है उत्तपम हमारी, काफी टेस्टी लग रही है। और क्योंकि इसमें काफी वेजी है, वेजिटेबल्स है, तो ये काफी हेल्दी भी है। ये देखिए नीचे से काफी क्रिस्पी बन गई है, ऊपर भी अच्छे से पक गई, और जो हमने चटनी तैयार किया है उसे भी हम साथ में रख लेते हैं, जिसके साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए हेल्दी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो गई है, इसे आप जरूर बनाएं, काफ़ी अच्छी रेसिपी है और काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।